हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज क्लास 12 का जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होने वाला था, उसके रिगार्डिंग होगा या नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसकी सुनवाई आज होनी थी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है या नहीं कराना है। तो वो जो फैसला आज देना था, वो उसको अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। और उसमें ये बात आई है कि अगर एग्ज़ाम को डिले किया जाएगा तो रिज़ल्ट में भी लेट होगा और जो फर्दर एजुकेशन आगे का जो एजुकेशन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसको लेकर की एक बात आई है। दूसरी बात यह आई है कि 300 स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने 300 स्टूडेंट ने उन्होंने पत्र लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको, के अल्टरनेट कोई तरीका देखा जाए रिज़ल्ट निकालने का, या फिर एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट है उसको लेकर के रिज़ल्ट दे दिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल साहब, उनका ये है कि उनका जो अपडेट आया था कि आने वाला जो मंथ है, इट्स मीन्स जून जो आने वाला है, जून के फर्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो कब कराना है, या फिर रद्द करना है, या फिर रिज़ल्ट अगर देना है तो किसके बेसिस पे देना है। जैसा कि क्लास 10th का एग्ज़ाम आप लोग को पता ही है कैंसिल हो गया, और वो जो रिज़ल्ट का जो क्राइटेरिया बना था स्कूल वाले को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, प्री एनुअल के बेसिस पे उन्होंने रिज़ल्ट फिर क्लियर किया था जो अभी अवेटेड है। तो ये छोटा सा अपडेट था क्लास 12th सीबीएसई के रिगार्डिंग। तो वी विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट अनाउंसमेंट विच व्हाट विल अनाउंस बाय द आवर एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल। सो थैंक यू, यही अपडेट था जो आप लोगों को अपडेट करना था। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ एम एच अख्तर और टॉपर लर्नर्स आप देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।